नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि रामायण से जुड़ी पांच ऐसी बातों के बारे में जिसे करने वालों के पास कभी लक्ष्य नहीं टिकती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। हिंदुओं के दो प्रमुख ग्रंथों में से एक रामायण जिंदगी का एक अलग चित्रण करती है और बताती है कि कैसे अंत में बुराई पर अच्छाई की ही जीत होती है। रामायण एक राज परिवार और राजवंश की कहानी है जो पति पत्नी, भाई और परिवार के अन्य सदस्यों के आपसी रिश्तों के आदर्श पेश करती है। हर हिंदू परिवार अपने बच्चों को एक ग्रंथ के बारे में बताता है और हर रविवार को सुबह टीवी पर हम लोग रामायण देखते हुए ही बड़े हुए हैं। हिंदू संस्कृति ना केवल रामायण को मानती है बल्कि रामायण की सीख को जीवन में भी उतारती है, और हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली भी इसीलिए मनाया जाता है कि इस दिन राजा राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ राक्षस रावण को मारकर अयोध्या लौटे थे। दोस्तों, राम की वनवास से घर लौटने की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हिंदू धर्म में रामायण या रामचरितमानस को जीवन शैली का आधार माना गया है। रामायण हमें जीवन जीने की सत्य राह दिखाती है। रामायण प्रत्येक पल में हमें आदर्श तथा धर्मानुसार जीवन जीने हेतु प्रेरित करती है। दोस्तों, रामचरितमानस में इस बात का जिक्र किया गया है कि कुछ लोगों के पास धन क्यों नहीं टिकता है। आपको इस वीडियो में उन्हीं सब बातों के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, रामायण के अनुसार जिस व्यक्ति में घमंड है उसके पास भी धन कभी नहीं रह सकता। यदि ऐसे व्यक्ति के पास धन आ भी जाता है तो बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। धन को अपने पास रखने के लिए मनुष्य को घमंड का त्याग कर देना चाहिए। धन आते ही कई सारे मनुष्यों के पास घमंड भी आ जाता है, और आना भी धन का एक गहना होता है घमंड। इसीलिए अगर हम घमंड नहीं रखें और विनम्रता को अपने पास रखें तो वो धन हमारे पास टिकता है और धन हमारे पास आता भी है। कभी भी घमंडी पुरुष के पास, अहंकारी पुरुष के पास धन कभी भी नहीं आता है। इसीलिए मित्रों, हमें घमंड को त्याग कर देना चाहिए ताकि हमारे पास लक्ष्मी टिके। दूसरा और सबसे बड़ा कारण है, दोस्तों हम कई बार देखते हैं कि लोग बाहर तो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं लेकिन घर में अपने बड़े बुजुर्गों के साथ जो लोग हमें पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं और हम लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो रामायण में ये बताया गया है कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, उनके साथ सम्मानजनक बात नहीं करता है, ऐसे पुरुषों के पास कभी भी लक्ष्मी नहीं टिकती है। हमेशा उनके पास दरिद्रता भटकती रहती है। जिंदगी में सफलता प्राप्त करने हेतु हमेशा बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, बुरी आदतों से परहेज करें। धर्मशास्त्रों में लिखी बातें भले ही आज की पीढ़ी को नापसंद हो लेकिन जीवन बिना मूल्यों के व्यर्थ होता है। इसीलिए बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, उनके आशीर्वाद से आपके पास हमेशा दिन दुगुनी रात चौगुनी धन आता है और सफलता भी आती है। तीसरी बात दोस्तों, रामायण के अनुसार यदि आपका जीवन साथी सही नहीं हो तो आपके पास लक्ष्मी कभी भी नहीं रोकेगी। जो अपने जीवन साथी के साथ धोखा करते हैं उनके पास लक्ष्मी कभी भी निवास नहीं करती है। यदि आप भी ऐसा करते हैं, अपने जीवन साथी के प्रति आप लोग वफादार नहीं हैं, अपने जीवन साथी के लिए आप मन में द्वेष, धोखा या कुछ और हैं, तो आपके घर का सत्यानाश होने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए हमेशा अपने पार्टनर के प्रति, अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहें, आपका सब कुछ अच्छा होगा। आप ये आदत आपको एक साथ मिल बांट कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसीलिए अपने जीवन साथी के साथ हमेशा प्रेम पूर्वक रहें, उन्हें सबल प्रदान करें, उन्हें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहें। अगला है दोस्तों, रामायण के अनुसार यदि आप लोभी हैं, आप लालची हैं, तो कभी भी आपके पास धन नहीं टिकेगा। लालच बुरी बला होती है, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। इसीलिए लालच को छोड़कर आपको धर्म का अनुसरण करना चाहिए, आपको अपनी काबिलियत को बढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से दोस्तों
आप में हमेशा आगे की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति आएगी। लालच आपको हमेशा पीछे की ओर खींचता है, इसी लालच का त्याग कर दें। अगली बात है दोस्तों, रामायण के अनुसार जो व्यक्ति हमेशा नशीली वस्तुओं का सेवन करते हैं, जो वस्तुएं भगवान ने हमारे लिए नहीं बनाई है लेकिन हम उन्हें लेकर अपनी जो बुरी इच्छाएं होती है उनको पूरा करते हैं, तो ऐसे इच्छाओं वाले व्यक्तियों के पास कभी भी धन नहीं टिकता है। इसलिए दोस्तों नशीली वस्तुओं का कभी भी सेवन ना करें। दोस्तों अब हम रामायण की कुछ अच्छी सीखों के बारे में भी जानेंगे, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बुराई की अच्छाई पर जीत। रामायण की सबसे बड़ी सीख यह है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। जिस तरह माता सीता पर रावण ने बुरी नज़र डाली और अंत में भगवान राम ने रावण को पराजित कर सीता को वापस पा लिया, कहानी का सार ये है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली या बड़ी क्यों ना हो, अपनी अच्छी नीयत और गुणों के कारण सच्चाई की ही जीत होती है, इसीलिए धैर्य रखें। दूसरी दोस्तों, विविधता में एकता। रामायण की एक बड़ी सीख है विविधता में एकता। इस महाकाव्य में राजा दशरथ की तीनों रानियों और चारों बेटों का चरित्र अलग अलग होता है, लेकिन इस विविधता के बावजूद उनमें किस तरह की एकजुटता रहती है, ये हर परिवार के लिए दुख के समय से बाहर निकलने की सीख होती है। तीसरी सीख होती है दोस्तों, ऐश्वर्य से बढ़कर रिश्ते। भाइयों का ऐसा प्यार जहाँ लालच, गुस्सा या भीतरघात घर नहीं कर पाया, यह एक बड़ा उदाहरण है। एक और जहां लक्ष्मण ने 14 साल तक भाई राम के साथ वनवास किया, वहीं दूसरी भाई कैकेयी के पुत्र ने राज गद्दी के अवसर को ठुकरा दिया। इसके बजाय उन्होंने भगवान राम को उन्हें माफ करने और राज काल संभालने का आग्रह किया, क्योंकि इस पर राम का ही हक था। भाइयों के प्यार की ये सीख हमें लालच और सांसारिक सुखों के बजाय रिश्तों को महत्व देने के लिए प्रेरित करती है। अच्छी संगति का महत्व। ये ग्रंथ हमें अच्छी संगति के महत्व को बताता है। कैकेयी राम को अपने पुत्र राम से ज़्यादा चाहती थी, लेकिन दासी मंथरा की बुरी सोच और गलत बातों में आकर वो राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लेती है। इसीलिए हमें सीख मिलती है कि हमें अच्छी संगति में रहना चाहिए ताकि नकारात्मकता हम पर हावी नहीं हो। पांचवी सीख है दोस्तों, सच्ची भक्ति और समर्पिता। हनुमान जी ने भगवान राम के प्रति अटल विश्वास और प्यार का परिचय दिया। उनकी अपार लगन और भगवान राम के प्रति निस्वार्थ सेवा हमें सिखाती है कि एक दोस्त की जरूरत के समय किस तरह मदद की जाती है। ये बताती है हमें अपने आराध्य के चरणों में बिना किसी संदेह के अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। जब हम अपने आप को सर्वव्यापक के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो हमें निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति होती है और जन्म मरण से छुटकारा मिल जाता है। उम्र की सीख है दोस्तों, माफ करना और बदला लेने से अच्छा चरित्र है। रावण एक ज्ञानी पुरुष था, लेकिन माता सीता का अपहरण करना उसके पतन का कारण बना। इससे पता चलता है कि हम दूसरे को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में बदले की आग में अपने आप को ही जला बैठते हैं। अपनी बहन शूर्पणखा की लक्ष्मण द्वारा बेइज्जती करने पर रावण उसके भाई राम को सबक सिखाने की सोचता है और क्रोध, विश्वासघात और प्रतिशोध के खुद के जाल में खुद ही उलझ जाता है। इसीलिए हमें बदले, अहम और क्रोध के बजाय माफ करने का स्वभाव अपनाना चाहिए। सातवीं सीख है दोस्तों, सबसे समान व्यवहार। भगवान राम का विनम्र आचरण और अपने से बड़ों और छोटों सबको सम्मान देना हम सबको एक सीख देता है। हमें रुतबा, उम्र, लिंग आदि के भेदभावों के बावजूद सबसे समान व्यवहार करना चाहिए। हमें पशुओं से भी प्यार और दयालुता से पेश आना चाहिए। सच्चा मानव वही है जो सबसे समानता से पेश आता है। आठवीं सीख है दोस्तों, भगवान की सच्ची सेवा। राम के वन जाने से पहले लक्ष्मण और उनकी माँ सुमित्रा के बीच संवाद होता है। वहाँ वे लक्ष्मण को राम और सीता के साथ आचरण की शिक्षा देती है। तब वे बताती है कि भगवान की सच्चे मन से सेवा करना, क्योंकि ये ही मुक्ति का द्वार है। सुमित्रा कहती है, हे लक्ष्मण, तुम चाहे
राम और सीता के साथ कहीं भी रहो, लेकिन राम है वहीं पूरी अयोध्या है। वे लक्ष्मण को अपनी क्षमता के अनुसार भगवान की सेवा करने के लिए कहती है, क्योंकि यही सबसे बड़ा काम है और जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। नौवीं सीख है दोस्तों, भगवान में विश्वास की शक्ति। राम, लक्ष्मण और वानर सेना द्वारा भारत और श्रीलंका के बीच तैयार किया गया पुल चमत्कार की ही निशानी है। जिस तरह से भगवान का नाम लिखने से पत्थर तैरने लगे, ये भी एक बड़ी सीख है कि जिस भगवान का नाम लेने से सब लोग पुल से सागर पार कर गए, वैसे ही उनका नाम लेने से इस भवसागर से भी पार हो सकते हैं और हर क्षेत्र में जीत हासिल कर सकते हैं। दसवीं सीख है दोस्तों, प्यार और दया। भगवान राम प्यार, दया और सकारात्मकता की प्रतिमूर्ति है। यदि हम में से कोई भी 10% भी अपने दैनिक जीवन में उतार लेता है, तो वो खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकता है। उनका शांत और दया भाव से एक पुत्र, पति, भाई और एक राजा की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना हमें आपसी प्रेम और सम्मान जैसे मानवीय गुणों से अवगत कराता है। समाज की बुराइयों पर जीत हासिल करने के लिए हमें आज के ज़माने में रामायण की सीख उतारने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये रामायण से जुड़ी कुछ खास बातें थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके